दोस्तों जो भी हो, मुकाम होना चाहिए, जैसा भी हो अंजाम मिलना चाहिए। इस सेशन में यार हम बात कर रहे होंगे सरफेस केमिस्ट्री के एक और शानदार टॉपिक की, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड की। इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव में है और यार अच्छा अंजाम ही मिल रहा होगा, अच्छी मेहनत करेंगे तो यार परिणाम क्या होगा, बेहतरीन होगा, शानदार होगा। आई होप आप भी यार एकजुट होकर पूरी मेहनत कर रहे हैं, तन मन पूरा फोकस, आपने पूरा ध्यान लगा दिया है अपनी पढ़ाई को और आपने भी उतने ही लेक्चर्स को गो थ्रू कर लिया है जितने लेक्चर्स आपको अभी तक मिल पाए हैं, नोट्स आपने बना लिए हैं और सुबह शाम आपकी जबरदस्त अंदाज में पढ़ाई चल रही है। हाँ, दिन को भी यूटिलाइज करें, ये मानकर चलता हूँ कि डे टाइम में आप लेक्चर्स को अटेंड करते होंगे और यार मॉर्निंग इवनिंग में आप जरूर रिविजन पर अपना टाइम लगाते हैं, ज्यादा बार रिवाइज करना है, एक गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं हम लोग, कम बार रिवाइज करने से हाँ सारी चीजें क्लियर हो गई, सब समझ आ गया, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। प्रैक्टिकल डेटा को उठाकर देखते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत फहमी का शिकार होते हैं कि हमें आ गया बस, है ना, एक दो बार रिवाइज करने से सब समझ आ गया। आपकी परमानेंट मेमोरी के अंदर फीड तब तक नहीं होगा जब आप बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, नहीं तो ये टेम्परेरी मेमोरी के अंदर कैचे बनते जाएंगे, ठीक है। टेम्परेरी मेमोरी तो वोलेटाइल होती है, उड़ जाएगा, कुछ टाइम के बाद और डेटा आपके सामने आएगा तो पुराना डेटा मिट जाएगा, उड़ जाएगा। तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भैया बार बार रिवाइज कीजिए, रिविजन से ही आप ज्यादा अपने अंदर चमक ला सकते हैं, ठीक है। आई होप आप रिवाइज कर भी रहे होंगे, 10, 12, 15, 20 जितनी बार भी आप रिवाइज कर सकते हो उतना यार कम होगा आपके लिए, क्योंकि आप नहीं जानते इस देश के कौन से कोने में कौन सा बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। आपका कंपटीशन उन 10,000 स्टूडेंट्स के साथ है जो कि यार सेलेक्ट होने वाले हैं, उनमें से आप भी एक हैं, ठीक है। तो किस लेवल की प्रिपरेशन होने चाहिए ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये आपका एग्जाम डिसाइड करेगा। और जेई और नीट के जो एग्जाम्स हैं इनमें यार वही बच्चा सेलेक्ट हो पाता, अच्छा परफॉर्म कर पाता है जो कि यार पूरे मन से पढ़ाई करता है और जब से उसने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जब से होश संभाला है, तब से यार उसके अंदर कॉम्पिटिशन की भावना है, वो एक अच्छा फाइटर है और अपने जोश को कायम रखता है। आई होप आप में भी ये सारे खूबी होंगी और खूब सारी आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के कार्यक्रम को, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है इस प्यारे से चैनल पर। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडियल सॉल्यूशन ये हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे होंगे ये प्यूरिफिकेशन क्या है। अरे नॉर्मल प्यूरिफिकेशन तो आपको पता है, तो कोलोइडियल सॉल्यूशन की प्यूरिफिकेशन का मतलब भी वही है। द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटीज इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। ऐसी टेक्निक जिससे इंप्यूरिटीज कम हो जाएं, ठीक है, उस टेक्निक को प्यूरिफिकेशन बोलते हैं। अब बात कर रहे होंगे कोलोइडियल सॉल्यूशन की प्यूरिफिकेशन की, इसके लिए कुछ खास किस्म की टेक्निक हमें इस्तेमाल करनी होगी। जी हाँ, पहली टेक्निक देखिए, नाम तो आपने सुना होगा, डायलिसिस यूज करेंगे, इलेक्ट्रो डायलिसिस यूज की जा सकती है। अगर इसको फास्ट बनाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से डायलिसिस जो है ये फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ऐसी डायलिसिस को इलेक्ट्रो डायलिसिस बोल देंगे। और उसके बाद देखना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक टेक्निक यार ये भी होगी जिससे हम कोलोइडियल सॉल्यूशन को क्या कर पाएंगे, प्यूरिफाई कर पाएंगे, इंप्यूरिटीज को रिमूव कर पाएंगे। और बात करेंगे यार पहले डायलिसिस की, नाम तो आपने सुना होगा ही, काम की बात भी करते हैं। काम की बात क्या है, डायलिसिस है क्या, देखिए इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिसॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम ए कोलोइडियल सॉल्यूशन, किसी कोलोइडियल सॉल्यूशन से डिसॉल्व्ड सब्सटेंस को रिमूव करना। डिसॉल्व्ड सब्सटेंस क्या है, ये इंप्यूरिटी है, सोल पार्टिकल के अलावा जो पार्टिकल्स होंगे ये क्या है, इंप्यूरिटीज है। बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सुटेबल मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन का बना हुआ बैग होगा जिसमें यार कोलोइडियल सोल को रखा जाएगा, इम्प्योर कोलोइडियल सोल को रखेंगे और उसमें से यार कंटिन्यूसली पानी को फ्लो करेंगे। कंटिन्यूसली पानी को फ्लो करने से क्या होगा, कंटिन्यूसली पानी को फ्लो करने से यार
जो सोल के पार्टिकल्स हैं ये तो निकलेंगे नहीं, लेकिन जो इंप्यूरिटीज हैं ये बाहर पानी में आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी? क्योंकि जो मेम्ब्रेन का पोर साइज है ये इतना है कि इसमें से इंप्यूरिटीज पास हो सकती हैं। सोल के पार्टिकल्स बड़े हैं, सोल के पार्टिकल्स पास नहीं हो पाएंगे। ये गाने क्लियर है? तो आगे देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम में क्या हो रहा होगा। ए बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन कंटेनिंग कोलोडियल सॉल्यूशन, जिसमें यार कोलोडियल सॉल्यूशन है, सुटेबल मेम्ब्रेन का बना बैग है, इज सस्पेंडेड इन वेसल, किसी कंटेनर में इसको यार लटका दिया जाएगा, इन विच फ्रेश वॉटर इज कंटिन्यूअसली फ्लोविंग, इसमें से यार साफ पानी को लगातार हम पास कर रहे होंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? द मोलिक्यूल्स एंड आयंस डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन, द मोलिक्यूल्स एंड आयंस, जो इंप्यूरिटी के जो मोलिक्यूल्स और आयंस है यार मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएंगे। पोर साइज इतना है कि यहां से यार इंप्यूरिटीज पास हो सकती है। डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन इंटू आउटर वॉटर, हाँ बाहर जो पानी होगा, यहां जो पानी होगा इसमें आ जाएंगे, एंड प्योर कोलोडियल सोल्यूशन इज लेफ्ट बिहाइंड, पीछे बैग में क्या रह जाएगा? प्योर कोलोडियल सोल्यूशन रह जाएगा। जल्दी से इस फिगर को आप बना लो, फिगर को बना लो। ये कंटेनर है, यहां से देखना पानी को भेजा जाएगा, फ्रेश वॉटर को यार लगातार भेज रहे होंगे। यहां अभी फिलहाल क्या है? इंप्योर कोलोडियल सोल है, जो इंप्यूरिटीज है ये इस मेम्ब्रेन से बाहर आ सकती, लगातार पानी फ्लो होगा तो पानी के साथ मिलकर ये इंप्यूरिटीज यार बाहर जो पानी है ठीक है ना इसमें आ जाएंगी, और फिर ये यार यहां से देखना ये आउटलेट है, यहां से कलेक्ट कर ली जाएंगी इंप्यूरिटीज एंड वॉटर को, अलग से दूसरे कंटेनर में हम कलेक्ट कर लेंगे, और इन इंप्यूरिटीज को, इंट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं इनको हम यार यहां कलेक्ट कर लेंगे। इनको यार इनके सॉल्यूशन को क्रिस्टलॉइड बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो? क्रिस्टलॉइड। तो क्रिस्टलॉइड का मतलब ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो है ठीक है ना। यहां पर ये टेंशन मत लेना, क्रिस्टलॉइड एक बड़ी टर्म इस्तेमाल कर ली गई, हमें क्रिस्टलॉइड के बारे में नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूं ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है इनको यार इंप्यूरिटीज को आप इस क्रिस्टलॉइड में कंसिडर कर सकते हो ठीक है। तो यहां देखना कोलोइड भी है, क्रिस्टलॉइड भी है, मतलब इंप्यूरिटीज भी हैं और सोल के पार्टिकल्स भी हैं, पानी पास करेंगे तो क्या अलग होगा? इंप्यूरिटी अलग होंगी तो क्रिस्टलॉइड अलग होगा। पानी प्लस क्रिस्टलॉइड आपको यहां देखना एक सेपरेट कंटेनर में कलेक्टेड मिल जाएगा, नो टेंशन। अगर यहां से पानी पास करेंगे और यहां देखिए दूसरे कंटेनर में अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं तो इंप्यूरिटीज हमें फाइनली दूसरे कंटेनर में मिल जाएगी। पीछे बैग में क्या मिलेगा? प्योर कोलोडियल सोल, सोल के पार्टिकल तो यार मेम्ब्रेन से बाहर आएंगे नहीं, क्यों नहीं आएंगे? पोर साइज ही इतना बड़ा नहीं है कि सोल के पार्टिकल उसमें से पास हो पाए। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। इस पूरे ऑपरेटस को क्या बोलेंगे? इसको डायलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायलाइजर बोलते हैं। नोट कर लिया इस बात को, चलें आगे। फिर फिगर भी आपने बना ली है। देखिए यार जो नॉर्मल डायलिसिस है ये काफी स्लो है, ऑर्डिनरी डायलिसिस इज क्वाइट स्लो। तो हम क्या यूज करेंगे? हम इलेक्ट्रोड डायलिसिस को यूज करेंगे, टेक्निक नंबर टू है। ऑर्डिनरी डायलिसिस प्रोसेस इज क्वाइट स्लो, ये स्लो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे फास्ट हो जाएगी। इट कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इफ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस इज ओनली इलेक्ट्रोलाइट इन इम्प्योर कोलोडियल सॉल्यूशन, देन वी हैव टू अप्लाई इलेक्ट्रोड डायलिसिस। अगर यार इंप्यूरिटीज का जो नेचर है ये इलेक्ट्रोलाइट वाला है, मतलब चार्ज है इन पर, तो फिर तो प्लस माइनस प्लेट लगाकर इनके माइग्रेशन को फास्टर बनाया जा सकता है। हाँ, प्लस माइनस प्लेट होंगी तो यार ज्यादा अच्छे से माइग्रेट हो पाएंगे आयंस। तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हुए इनको आसानी से माइग्रेट करवाया जा सकता है। दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोडायलिसिस, एक ऐसा डायलिसिस जिसमें यार इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया हो उसको इलेक्ट्रोडायलिसिस बोल देंगे। मतलब जैसी अरेंजमेंट डायलिसिस के दौरान मिल रही थी कुछ वैसी अरेंजमेंट ही है। इसके अलावा ये देखना एनोड कैथोड को इस्तेमाल में लाया गया है। एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पोलैरिटी की क्या है? एनोड है। नेगेटिवली चार्ज्ड पोलैरिटी के साथ देखना क्या मिल रही है? कैथोड मिल रही, मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड होगा और नेगेटिव इसके साथ कनेक्टेड होगा। इस बैग में क्या है? इंप्योर कोलोडियल सोल है, और यह इंप्यूरिटीज की खास बात यह है कि आयंस है। तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? यह एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। जो एनायन है यह अपने अपोजिट पोलैरिटी की तरफ अट्रैक्ट होगा। इससे अपोजिट पोलैरिटी यार इसकी देखिए, इस पर माइनस चार्ज है तो इस पर चार्ज देखना प्लस है। ये कैटायन है, देखिए
ये अपने से अलग पोलैरिटी की इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसके ऊपर जो चार्ज है ये माइनस है, ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देंगे तो ये ज्यादा मैग्नीट्यूड की फोर्स के साथ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। कहानी क्लियर है कि नहीं है? मतलब इनकी स्पीड जो है, अलग होने की जो रेट है ये क्या हो जाएगी, डिफ्यूजन की जो रेट है ये क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये डिपेंड करता है आपने किस इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और ज्यादा डिफ्यूज होंगे। कहानी क्लियर है कि नहीं? डिफ्यूजन की जो रेट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मतलब ये कार्यक्रम जल्दी हो पाएगा। देखिए क्या हुआ, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान क्या हुआ, द कोलोइडल सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन, ये इंप्योर कोलोइडल सोल की बात की गई है, व्हाइल प्योर वाटर इज टेकन आउटसाइड, बाहर क्या होगा, प्योर वाटर होगा। इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन द कंपार्टमेंट, इलेक्ट्रोड्स को फिट किया गया है। द आयंस प्रेजेंट इन द कोलोइडल सोल माइग्रेट आउट, जो आयंस यहां कोलोइडल सोल में प्रेजेंट होंगे ये माइग्रेट होंगे आउटसाइड, ठीक है, टू अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड देखना, एनोड जिस पर प्लस चार्ज है इसकी तरफ एनायन अट्रैक्ट हुआ, कैथोड जिस पर माइनस चार्ज है इसकी तरफ यार कैटायन अट्रैक्ट हुआ। इस प्रकार से अपोजिटली चार्ज्ड आयंस जो हैं ये डिफरेंट इलेक्ट्रोड की तरफ यार माइग्रेट होंगे, और किस प्रकार से माइग्रेट होंगे, इस प्रकार से माइग्रेट होंगे कि अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट होंगे। एनायन है तो यार एनोड की तरफ माइग्रेट होगा, एनोड पर प्लस चार्ज है, कैटायन है कैथोड की तरफ माइग्रेट होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, एनोड के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है तो इसकी पोलैरिटी प्लस है, कैथोड के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है इसकी पोलैरिटी यार माइनस है। तो इस प्रकार से आयंस क्या हो जाएंगे, माइग्रेट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रोलाइट्स यार सेपरेट हो जाएंगे। कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसके बाद यार हम थर्ड टेक्निक को जान रहे होंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को जान रहे होंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलोइडल सोल पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट एंड सोल्यूबल सोल्यूट प्रेजेंट इन कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सोल्यूबल सोल्यूट प्रेजेंट इन कोलोइडल सॉल्यूशन बाय स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स, बाय स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स, यहां यार एक स्पेशल टाइप के फिल्टर्स को इस्तेमाल में लेकर आना होगा। क्यों 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 ऐसा? इसलिए यार क्योंकि जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है उनका जो पोर साइज है वो इस प्रकार का, उसमें से सब पास हो जाएगा, उसमें से ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल तो पास हो ही जाएंगे, कोलोइडल सोल के जो बड़े पार्टिकल ये भी पास हो जाएंगे, मतलब ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को इस्तेमाल में नहीं लेकर आएंगे। तो ऐसे केस में हमें मॉडिफाइड फिल्टर पेपर की जरूरत होगी। विचार परमिएबल टू ऑल सबस्टांसेस एक्सेप्ट कोलोइडल पार्टिकल, ऐसे फिल्टर पेपर स्पेशली डिजाइंड जो मॉडिफाइड फिल्टर पेपर है कि यार परमिएबल होंगे किसके लिए, सभी सबस्टांसेस के लिए, लेकिन कोलोइडल सोल के जो पार्टिकल से बड़े ये पास नहीं हो पाएंगे। कोलोइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बिकॉज पोर्स आर टू लार्ज, जो पोर है काफी बड़े, इसमें से यार कोलोइडल पार्टिकल पास हो जाएंगे कब, जब ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को इस्तेमाल में लेकर आया जाएगा। तो इस प्रकार से देखना, मान लेते हैं ये हमारे पास ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, इसके पोर्स बड़े हैं, ये बड़े पोर्स हैं, तो यहां से हम अगर पास करेंगे इंप्योर कोलोइडल सोल को, ठीक है, पास करेंगे तो होगा क्या, यहां क्या होगा, इस प्रकार से सोल पार्टिकल्स हमें मिल रहे होंगे, इंप्यूरिटीज हमें मिल रही होंगी, सोल पार्टिकल्स भी पास हो जाएंगे, मतलब इंप्यूरिटीज प्लस सोल दोनों पास हो जाएंगे, इंप्यूरिटीज प्लस सोल पार्टिकल्स दोनों टाइप के पार्टिकल्स मिल रहे होंगे, ये दोनों पास हो जाएंगे। लेकिन 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 अगर हम फिल्टर पेपर को मॉडिफाई कर दें, स्पेशली डिजाइंड फिल्टर पेपर की बात कर लें, क्या करना होगा, पोर साइज को रिड्यूस करना होगा, पोर साइज को रिड्यूस करना होगा, इस प्रकार से देखना, पोर साइज को रिड्यूस करना होगा।
कि इसके लिए कोई सुटेबल केमिकल यूज करना होगा। हाँ, सुटेबल केमिकल यूज करना होगा इसके लिए। कौन सा करेंगे बात? नाइट्रो सेलुलोज यूज करना होगा इसके लिए इन अल्कोहल एंड ईथर, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड से भी ट्रीट करना होगा इसको हार्ड बनाने के लिए। अब क्या होगा? अब यार अगर हम इम्प्यूरिटीज प्लस सोल पार्टिकल्स को इसके ऊपर डालेंगे तो सोल पार्टिकल्स पास नहीं हो पाएंगे, अब केवल इम्प्यूरिटीज पास हो पाएंगे। आपने साइज को रिड्यूस कर दिया है तो क्या होगा? यहां पर केवल इम्प्यूरिटीज पास हो पाएंगे, अब केवल इम्प्यूरिटीज पास हो पाएंगे। सोल पार्टिकल्स बड़े हैं, किन से? इन फोर से, ये नहीं पास हो पाएंगे। यहां केवल इंप्यूरिटीज मिलेंगी, यहां केवल क्या मिलेंगी? इंप्यूरिटीज मिलेंगी। और सोल पार्टिकल्स यार फिल्टर पेपर पर यहां इकट्ठे हो जाएंगे, ये सोल पार्टिकल्स है, यहां इकट्ठे हो जाएंगे, इनको यहां से कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा फिल्टर पेपर यार कैसे प्रिपेयर किया जाएगा? एन अल्ट्रा फिल्टर पेपर मे बी प्रिपेयर्ड बाय सोकिंग द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को सोक कर देंगे किसमें? इन कोलोडियन सॉल्यूशन। कोलोडियन सॉल्यूशन क्या है? 4% ऑफ नाइट्रो सेलुलोज। कोलोडियन सॉल्यूशन ये है, कोलोडियन सॉल्यूशन ये है, 4% ऑफ नाइट्रो सेलुलोज इन ईथर एंड एल्कोहल, इसमें सोक किया जाएगा। इसके बाद हार्ड किया जाएगा, हार्डनिंग बाय फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड से इसको हार्ड किया जाएगा एंड देन फाइनली ड्राइंग इट। उसके बाद इसको सूखा करने के लिए छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, सूखने के बाद ही तो यार ये हार्ड हो पाएगा। क्या किया यहां देखना, यहां अप्लाई किया 4% नाइट्रो सेलुलोज इन ईथर एंड एल्कोहल, ठीक है, अप्लाई किया। इसके बाद इसको हार्ड बनाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट किया, उसके बाद ड्राई कर दिया, हार्ड हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक को अप्लाई करेंगे, लेकिन जो ऑर्डिनरी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ये स्लो होती है, तो इसको स्पीड अप कैसे किया जाएगा? प्रेशर अप्लाई करने पर। इट कैन बी स्पीड अप बाय अप्लाइंग प्रेशर और कैन स्पीड अप बाय सक्शन प्रोसेस, ठीक है ना। सक्शन से क्या कर देंगे इसको यार? स्पीड अप कर देंगे। कहानी क्लियर है? द कोलोडियल पार्टिकल्स लेफ्ट ऑन द अल्ट्रा फिल्टर पेपर, हाँ, कोलोडियल पार्टिकल ऊपर रह जाएंगे, आर देन स्टीड विद फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम। इसको मिला लिया जाएगा फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम में, ताकि हम यार प्योर कोलोडियल सोल बना पाएंगे। टू प्रिपेयर प्योर कोलोडियल सोल, टू गेट प्योर कोलोडियल सोल, क्या किया जाएगा? इसको मिक्स किया जाएगा, रीमिक्स किया जाएगा। हाँ, जो इम्प्योर मीडियम था इसको अलग कर लिया, फिर जो प्योर कोलोडियल पार्टिकल यहां यार ऊपर अल्ट्रा फिल्टर पेपर पर इकट्ठे हुए होंगे, इनको सुटेबल मीडियम के साथ मिक्स कर लिया जाएगा और उस मिक्सिंग के बाद हमें प्योर कोलोडियल सोल मिल जाएगा। तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर ऐसा है, ये क्या है? ये है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर, और ये क्या है? अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ये क्या है? दिस इज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर, इससे प्यूरिफाई किया जाएगा कोलोडियल सोल। चले आगे, फिर नॉर्मल फिल्टर पेपर को इस्तेमाल में नहीं लाना है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर को इस्तेमाल में लाना है। इसके बाद हम यार कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इसमें यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात तो यार अगले लेक्चर में होगी, लास्ट लेक्चर में होगी, इकट्ठा ही देख लेंगे, हार्डी रूल वगैरह के साथ इकट्ठा ही देख लेंगे। हाँ, प्रोटेक्टिव एक्शन भी देखेंगे, कोलोइड का, गोल्ड नंबर की भी बात कर रहे होंगे, लेकिन फिलहाल कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। हेट्रोजीनियस कैरेक्टर, प्रॉपर्टी नंबर वन, कोलोइड्स हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन,
नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कोलोइड्स की जो कंपोजिशन है नॉन यूनिफॉर्म होती है, इसी को बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैरेक्टर। चले आगे, विजिबिलिटी ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, दे विल अपीयर एज ब्राइट स्पॉट मूविंग रैंडमली। जब लाइट पड़ती है तो बड़े बड़े धब्बे नजर आते हैं सॉल्यूशन में, मतलब स्कैटरिंग हुई है और ब्राइट स्पॉट की फॉर्म में कोलोइडल पार्टिकल नजर आते हैं। ऐसे नेकेड आइज से यार कोलोइडल पार्टिकल नजर नहीं आएंगे, लाइट पास करेंगे तो ब्राइट स्पॉट की फॉर्म में हमें कोलोइडल पार्टिकल्स नजर आएंगे, विजिबल होंगे। फिल्टरेबिलिटी की बात कर ले, फिल्ट्रेशन अप्लाई करने पर क्या होगा, कोलोइडल पार्टिकल्स पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, हाउएवर पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू अदर फाइन मेम्ब्रेन्स। नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो पार्टिकल पास हो जाएंगे, इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक अप्लाई की जाती है ताकि प्योर कोलोइडल सोल पार्टिकल्स को यार अलग किया जा सके। तो फिल्टरेबिलिटी आपको क्लियर है, फिल्टरेबिलिटी में हमने क्या देख लिया है, कोलोइडल सोल पार्टिकल नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, लेकिन फिल्टर पेपर के पोर साइज को आप अगर यार घटा देंगे तो उस केस में कोलोइडल सोल पार्टिकल पास नहीं हो पाएंगे। कहानी क्लियर है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात की जाए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। ट्रू सॉल्यूशन के केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात की जाती है, कोलोइडल सोल के केस में भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होंगे। ड्यू टू हाई एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ कोलोइडल सोल पार्टिकल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इज क्वाइट लो। देखिए होगा क्या, ज्यादा मोलर मास होने की वजह से, सोल पार्टिकल बड़े होते हैं इनका, ज्यादा मोलर मास होने की वजह से तो नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे होंगे कम मिल रहे होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे होंगे कम मिल रहे होंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स कम मिल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स कम मिल रहे हैं तो कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू भी कम मिलेगी, कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू भी कम मिल रही होगी, और कंसंट्रेशन टर्म के मैग्नीट्यूड से ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड डिसाइड होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सीपी जो है, ये अमाउंट पर डिपेंड करती है, अमाउंट पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन टर्म किस मैग्नीट्यूड में मिल रही है। तो अगर यार मोलर मास ज्यादा है तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, कंसंट्रेशन टर्म छोटी होगी, कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू कम मिल रही होगी, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम होगी। कहानी क्लियर है। हेंस वैल्यूज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली आर वेरी स्मॉल। हाँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी, मैं आपको बता चुका हूं, नंबर ऑफ मोल्स कम मिलते हैं, मोलर मास ज्यादा होने से मोल फ्रैक्शन कम मिलता है, अदर कंसंट्रेशन टर्म जैसे कि मोलैलिटी कम मिलती है, मोलैलिटी कम मिलती है तो ऐसे केस में कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू कम मिलती है। ओनली ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट आर यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर्स, इन डिटरमाइनिंग द मोलिकुलर मास ऑफ कोलोइड्स। जी हां, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसकी वैल्यू हमें बहुत कम नहीं मिलती है, जिससे मोलिकुलर मास निकालने में आसानी होती है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू है ये बहुत कम नहीं है, तो इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम मोलर मास निकालना हो तो मोलर मास आसानी के साथ कोलोइड का निकाल सकते हैं। पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये फॉर्मूला होता है, सी यहां पर मोलैरिटी है, सी यहां पर मोलैरिटी है, ठीक है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, इसकी जो वैल्यू है काफी कम नहीं मिलती बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कंपेरिजन में, जब इसको यार फाइंड करके आप देखेंगे इसकी वैल्यू काफी कम नहीं मिलेगी, काफी कम नहीं मिलेगी, तो इससे मोलर मास निकालना आसान होगा। ठीक है, मोलर मास कैसे निकालेंगे, ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स को आप लिख सकते हो मास बाय मोलर मास, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स हुए बाय वॉल्यूम, हाँ ये मोलैरिटी हुई, इंटू आर इंटू टी। तो यहां से यार हम मोलर मास निकालने में कामयाब हो पाएंगे, मोलर मास निकालने में हम यहां से कामयाब हो पाएंगे।
तो अगर हमें इसकी वैल्यू एप्रिसिएबल मिलती है तो मोलर मास निकालने में हमें आसानी होगी, ठीक है। एरर होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। इसलिए यार सजेस्ट किया जाता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को आप यूज करो, इसकी वैल्यू आपको एप्रिसिएबल मिलती है। इसको यूज करने से मोलर मास या फिर मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने में आपको आसानी होगी। वैसे तो वैल्यूज सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की कम मिलती है, लेकिन इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू मिलती है यार बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा मिलती है। मतलब कंपैरिजन वाइज मैं बात करूं, है ना, इनको आपस में कंपेयर करेंगे कौन ज्यादा सिग्निफिकेंट मिल रहा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, और इससे मोलर मास निकालना क्या होगा, आसान होगा। आगे देखिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, टिंडल इफेक्ट। टिंडल भैया ने 1869 में एक शानदार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ऑब्जर्व दैट इफ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू कोलोडियल सोल प्लेस्ड इन देयर पाथ, ठीक है, डार्क प्लेस, द पाथ ऑफ बीम गेट्स इल्यूमिनेटेड, पाथ दिखाई देने लग जाएगा, गेट्स इल्यूमिनेटेड, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग हो जाएगी। इस प्रकार से देखना, अगर आप लाइट को पास करते हो, ट्रू सॉल्यूशन से लाइट का पाथ नहीं दिखेगा, लेकिन कोलोइड से पास करोगे देखना ये पाथ विजिबल हो गया। इसी स्कैटरिंग को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल भैया ने सबसे पहले स्कैटरिंग का जिक्र किया था, तो टिंडल भैया के नाम से ही इस फिनोमिना को हम अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज टिंडल इफेक्ट। ऑप्टिक्स में एक शानदार फिनोमिना आप देखने वाले हैं, ये आप देख चुके हैं। टिंडल इफेक्ट होने के लिए कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड है, टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर वन, द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इज नॉट मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। जो डायमीटर होगा या पार्टिकल्स का, ये बहुत कम नहीं होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज से। अगर ये डायमीटर कम हुआ तो ऐसे केस में यार स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी, अच्छे से स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी, लाइट का जो पाथ है विजिबल नहीं हो पाएगा। जैसे ट्रू सॉल्यूशन के केस में पार्टिकल छोटे होते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है ये क्या है, ये पार्टिकल के डायमीटर से ज्यादा है, तो ऐसे केस में देखना स्कैटरिंग नहीं हो पाई, नहीं हो पाई तो पाथ जो है विजिबल नहीं है। लेकिन यहां देखना डायमीटर और वेवलेंथ जो है ये नियरली सेम है, ठीक है, या फिर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये पार्टिकल्स डायमीटर से अगर कंपेयर किए जाएं तो पार्टिकल्स का डायमीटर उतना कम नहीं है जितना ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का डायमीटर मिल रहा था। मतलब वेवलेंथ के आसपास ही डायमीटर की रेंज लाई करती है, ऐसे केस में स्कैटरिंग होगी, पाथ जो है ये विजिबल हो जाएगा। कंडीशन नंबर टू, द रिफ्रेक्टिव इंडाइसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। स्कैटरिंग होने के लिए जो रिफ्रेक्टिव इंडाइसिस होते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के, ये भी यार ज्यादा मैग्नीट्यूड में डिफर करने चाहिए। हाँ, ज्यादा मैग्नीट्यूड में डिफर करेंगे तभी जाकर ही स्कैटरिंग हो पाएगी। पार्टिकल बड़े होने चाहिए पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन इनके रिफ्रेक्टिव इंडाइसिस में ज्यादा डिफरेंस मिलना चाहिए तभी जाकर यार ज्यादा अच्छे से स्कैटरिंग हो पाएगी। स्कैटरिंग की दो कंडीशन नोट कर लिया आपने। इसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी में बात कर रहे होंगे ब्राउनियन मूवमेंट की। रॉबर्ट ब्राउन भैया ने जिगजैग बिहेवियर को एनालाइज किया, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड इन 1827 पार्टिकल्स वर सीन टू बी इन कॉन्स्टेंट जिगजैग मोशन, ठीक है। फिगर में आप देख सकते हैं, फिगर अभी ड्रॉ नहीं की है, अभी ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास कोलोडियल सोल है, फिगर को आप ध्यान से देख लो, ये सोल पार्टिकल्स हैं। क्या लगता है ऐसे आराम फरमा रहे होंगे पार्टिकल्स, क्या लगता है आपको कैसे आराम फरमा रहे होंगे? जी नहीं, ये पार्टिकल देखना इस प्रकार से टकरा रहे होंगे, ये पार्टिकल्स इस प्रकार से टकरा रहे होंगे। कहानी क्लियर है, ये पार्टिकल इस प्रकार से टकरा रहे होंगे, ये इस प्रकार से एक दूसरे के साथ ही पार्टिकल्स टकरा रहे होंगे। तो ये जो जिगजैग बिहेवियर होगा, ये जो रैंडम मोशन होगा, ये जो जिगजैग बिहेवियर होगा आप देख सकते हैं, मतलब ये रैंडम मोशन है, कोई भी किसी के साथ टकरा रहा है, ये जो अजीबोगरीब जो इनका मोशन होगा, दिस जिगजैग मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। अरे पार्टिकल की हलचल किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है ना यार, बहुत सारे पार्टिकल है, किसी की इधर हलचल हो रही, किसी की उधर, कोई इधर टकरा रहा है, कोई इधर टकरा रहा है, ठीक है ना यार। तो ऐसे केस में जब इनको यार
पावरफुल माइक्रोस्कोप से एनालाइज किया जाएगा, तो ऐसा जिगजैग मोशन मिल रहा होगा। दिस जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। इसी जिगजैग मोशन को यार ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या आपको ब्राउनियन मूवमेंट क्लियर है? तो आगे चले फिर। अगर आपको यार ब्राउनियन मूवमेंट क्लियर है तो आप मुझे बताना, ये जो जिगजैग मोशन है, ये जो मोबिलिटी है, ये सोल पार्टिकल्स के साइज से कैसे रिलेटेड होगी? बहुत भारी पार्टिकल होगा तो बताइए मोबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? मोबिलिटी जो है यार साइज ऑफ पार्टिकल से इस प्रकार से डिपेंडेंट होगी। मोबिलिटी और साइज इनवर्सली रिलेटेड होंगे। अरे भारी भरकम इंसान ही ज्यादा दौड़ नहीं सकता तो पार्टिकल भी ज्यादा नहीं दौड़ेगा, उसकी मोबिलिटी कम होगी। क्लियर है? मोबिलिटी जो है, मोबिलिटी विस्कोसिटी ज्यादा मिलने पर भी कम होगी। शहद के पार्टिकल जो ज्यादा मतलब मूवमेंट करते हैं, पानी के पार्टिकल, शहद ज्यादा विस्कस है पानी से, ज्यादा अगर लेयर्स थिक होंगी तो पार्टिकल्स की मूवमेंट कम होगी। मोबिलिटी जो है विस्कोसिटी के साथ इस प्रकार से रिलेटेड है, विस्कोसिटी के साथ इस प्रकार से रिलेटेड, विस्कोसिटी ज्यादा तो मोबिलिटी कम। ये पॉइंट्स आप नोट कर लो, ऐसा कुछ आपसे पूछा तो आप आसानी के साथ यार आंसर कर पाएंगे। साइज ऑफ पार्टिकल पर मोबिलिटी डिपेंड कर रही है, विस्कोसिटी पर भी मोबिलिटी डिपेंड कर रही है। तो इस प्रकार से यार हमने शानदार अंदाज में ब्राउनियन मूवमेंट की बात कर ली है। रॉबर्ट ब्राउन भैया ने इसके बारे में बताया था, कब बताया था? 1827 में। और टिंडल भैया ने टिंडल इफेक्ट के बारे में बताया था 1869 में। ठीक है, इससे पहले हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर ली, फिल्टराबिलिटी की बात कर ली, विजिबिलिटी की बात कर चुके हैं, नेचर की बात कर चुके हैं। कुछ शानदार प्रॉपर्टीज के साथ हमारी मुलाकात यार अगले सेशन में हो रही होगी। नेक्स्ट सेशन विल बी द लास्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अगला सेशन इस चैप्टर का यार लास्ट सेशन होगा। तब तक नोट्स बनाइए और स्पीड आपको अगले चैप्टर में बढ़ती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि अगला चैप्टर इससे भी छोटा है। 2 से 3 लेक्चर में हम यार डीप ब्लॉक एलिमेंट्स को फिनिश कर रहे होंगे। बिल्कुल छोटा चैप्टर, मजेदार चैप्टर है, मजा आ जाएगा आपको। अगला चैप्टर कौन सा है? डीप ब्लॉक एलिमेंट्स है, काफी कम टाइम में हम फिनिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलें फिर। बाकी जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो माफ करना, अच्छा नहीं लगा हो आप, कुछ भी हो सकता है ऑनलाइन में। ठीक है, तो आप कॉमेंट करके मुझे बताना, कुछ अच्छा लगा तो भी आप कॉमेंट्स करना, आपके कॉमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आपकी जैसी भी फीलिंग रहती है, मैं इसको अपनी फीलिंग समझता हूँ कि बच्चे मेरे लिए फील कर रहे हैं। तो यार आप अगर प्रेम करेंगे तो वो भी स्वीकार है, आप गुस्सा करेंगे है ना तो वो भी स्वीकार है, क्योंकि यार टीचर का फर्ज बनता है जब इतना आप प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, वो जब हम लोग स्वीकार करते हैं, वो हमें अच्छा लगता है, तो जायज गुस्सा भी आपका हमें अच्छा लगता है। तो वो टेंशन आप ना लें, अपने हक से आप हमें कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।